और मेरे दोस्त रायमा चौधरी, सृजिता देवनाथ, सुचिश्मिता दास और प्रत्याशा मोरी कक्षा छठी व की ओर से आज का विशेष कार्यक्रम लेके प्रस्तुत हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है। मेरा सवाल है कि आपको पता है कि वेद क्या होते हैं? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ, क्या आपको पता है कि वेद क्या होते हैं? तो मैं आपको बताऊंगी कि वेद क्या होते हैं। वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचलित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है, इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ईश्वर, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में भंडाकार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। अब मेरे दोस्त ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में कुछ वाक्य बोलेंगे। मैं सबसे पहला और पुराना वेद हूँ। मुझमें धरती की भौगोलिक स्थिति, देवताओं के आह्वान के मंत्र है। मुझमें 1028 मंत्र और 10 अध्याय है। मुझमें 5 शाखाएं हैं, शाकल्प शाखा, वास्कल शाखा, अश्वलायन शाखा, शांखायन शाखा, मंडुकायन शाखा। मैं यजुर्वेद हूँ। मैं हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक हूँ। मुझमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के गद्य और पद्य मंत्र है। मुझमें 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। मुझे ऋग्वेद के बाद लिखा गया था। मैं सामवेद हूँ। साम अर्थात रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस मुझमें ऋग्वेद ऋचाओं यानी मंत्रों का संगीतमय रूप है। मुझमें मूलत संगीत की उपासना है। मुझमें 1875 मंत्र है। मैं हूँ अर्थवेद, यानी मेरे में रहस्यमय विद्याओं के मंत्र है, जिसे जादू, चमत्कार, आयुर्वेद आदि है। और मैं सबसे बड़ा वेद हूँ, जिसमें 20 अयोध्या और मैं 50,687 मंत्र मुझ में है। धन्यवाद और एवं आपका दिन शुभ हो।